हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ओम प्रकाश शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वैसा कॉमन क्वेश्चन बताऊंगा जो BHU में भी पूछा गया है, BHU एंट्रेंस एग्जाम और UP में होने वाले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी पूछा गया है वैसा कॉमन क्वेश्चन। यूपी में अभी तक मेरे पास जितना मटेरियल है तो 2004 में, 7 में, उसके बाद 10 में, 13 में और 13 के बाद नहीं हुआ है, 13 तक या 14 तक 4 पेपर है मेरे पास और BHU का तो लगातार 10 साल का पेपर है। तो 2010 का पेपर मैंने BHU का करवा दिया, बाकी उसके बाद मैंने 2011 का देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन हैं जो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं बहुत सारे कॉमन हैं, 70% क्वेश्चन कॉमन है, 30% बचा। अब मैंने देखा कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो वेरियस टाइप के एग्जाम में पूछता हो, तो मैंने अभी दो पेपर को कंपाइल किया, AE का पेपर और BHU का पेपर। BHU में 2012 में क्वेश्चन नंबर 14 2012 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 और यही क्वेश्चन 2009 या 10 में जो यही हुआ था उसमें भी पूछा है, पूछा है कैस ग्रांडे एपेरेटस किस लिए यूज होता है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये है सॉइल मैकेनिक्स से। सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल की प्रॉपर्टी को जानने के लिए, सॉइल के बिहेवियर को जानने के लिए एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत आता है एटरबर्ग लिमिट। एटरबर्ग लिमिट एटरबर्ग नामक साइंटिस्ट था जिसने तीन तरह के लिमिट बताया सॉइल का। पहला बताया लिक्विड लिमिट, दूसरा बताया प्लास्टिक लिमिट और तीसरा बताया श्रिंकेज लिमिट। और उसी साइंटिस्ट ने एक एपरेटस का भी इन्वेंशन किया, उस एपरेटस से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लिमिट को मेजर किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड लिमिट। अब देखिए लिक्विड लिमिट है क्या। लिक्विड लिमिट सॉइल में उपस्थित मॉइस्चर की वह मात्रा है या लिक्विड की वह मात्रा है या उतना मात्रा है, मतलब सॉइल में उतना मॉइस्चर रहे या उतना पानी रहे या उतना नमी रहे ताकि सॉइल हमारा लिक्विड की तरह व्यवहार करे। जैसे मान लीजिए काफी ज्यादा हद तक पानी मिला देते हैं और उसके बाद हम गिरा देते हैं, पानी और मिट्टी का घोल है गिरा देते हैं, तो जैसे पानी बहता है उसी तरह मिट्टी पानी का घोल भी बहने लगता है। आपने देखा होगा मड, कीचड़, कीचड़ को अगर रख दीजिएगा तो रहेगा नहीं, जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का शेप धारण करेगा कीचड़, या जमीन पर उलट दीजिए तो बहने लगेगा, ठीक है। वैसी अवस्था होता है, आपको पता है कि वैसा अवस्था एक होता है सॉइल मॉइस्चर का, वैसा अवस्था सॉइल मॉइस्चर मिश्रण का, वैसा अवस्था जिस पर वो लिक्विड की तरह व्यवहार करे उस लिमिट को हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। अब मान लीजिए कि वहां से अगर पानी धीरे धीरे घटने लगता है, धूप में रखा रहता है धीरे धीरे पानी घटता है, घटते घटते एक अवस्था ऐसा आ जाता है, एक अवस्था ऐसा आ जाता है कि हम उस सॉइल वाटर के मिक्सचर को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जैसे कुम्हार बहुत तरह के बर्तन बना देते हैं, वो न तो ज्यादा गीला होता है न तो ज्यादा हार्ड होता है, तो मॉइस्चर का वह कंडीशन भी आता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट।
जिस पर प्लास्टिक लिमिट, मॉइस्चर की वह लिमिट है सॉइल में जिस पर हम सॉइल को मनचाहा रूप, सॉरी सॉइल को मनचाहा रूप दे सकते हैं यहां पर। और लिक्विड लिमिट, मॉइस्चर का सॉइल में वह लिमिट, वह मात्रा जिस पर हमारा सॉइल लिक्विड की तरफ व्यवहार करे, ठीक है। और श्रिंकेज लिमिट, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि मड था, कीचड़ था, यहां पर कीचड़ बाल्टी में रखा है, उसको सुखा रहे हैं, तो सुखा रहे हैं तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होगा, होगा ना वॉल्यूम कम, पानी उड़ेगा, उसके बाद ए स्टेज आएगा, इसके बाद भी और पानी सुखाएंगे और वॉल्यूम कम होगा, कम होते होते एक ऐसा अवस्था आ जाएगा जिस अवस्था में पानी तो उड़ेगा लेकिन सॉइल सैंपल का वॉल्यूम कम नहीं होगा, आयतन कम नहीं होगा। तो उस अवस्था को हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। बाकी क्वेश्चन में एक ऑप्शन नंबर डी है, इलास्टिक लिमिट, ये बेवजह है, इलास्टिक लिमिट कभी होता ही नहीं यहां पर सॉइल मैकेनिक्स में, ये इन लिमिटेटर वर्ग में बताया था। तो ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बच्चा देखे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए या अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको कम मेहनत में, जैसे ये चीज मैंने बताया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे को ये सब पता नहीं होता और क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख दिया है 2012 के क्वेश्चन नंबर 2012 क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मैं कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं ईमानदारी से, तो आप एक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना करना, एक कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले, एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक क्वेश्चन भी एई में पूछा है, बीएचयू में तो पूछा ही है, और आपका नेट में जब से दे रहा हूं 4-5 बार दिया, हर बार पूछा है, जीआरएफ में भी पूछा है, एसआरएफ में भी, डायमेंशनलेस नंबर फ्रॉड नंबर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप देख लीजिए इसको, कहता है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस नंबर। अब डायमेंशनलेस नंबर में बहुत तरह के नंबर आते हैं जिसमें एक नंबर फ्रॉड नंबर भी है। पूछेगा आपसे कि फ्रॉड नंबर किसको कहते हैं, यहीं से पूछ सकता है फ्रॉड नंबर किसको कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा फ्रॉड नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्सिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। बहुत बच्चे पढ़ते हैं कि फ्रॉड नंबर किसका रेशियो है, वो बता देते हैं इनर्सिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स, इनर्सिया बटा ग्रेविटी फोर्स बताते हैं। ऐसा नहीं है, फ्रॉड नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्सिया फोर्स बटा ग्रेविटी फोर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहता है इस क्वेश्चन में कि फ्रॉड नंबर का वैल्यू एक है, नहीं एक नहीं है, फ्रॉड नंबर का वैल्यू कितना हो क्रिटिकल फ्लो के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, एक होना चाहिए। फ्रॉड नंबर इनर्सिया स्क्वायर रूट ऑफ इनर्सिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स का वैल्यू 1 होना चाहिए। जब इसको हम एनालिसिस करते हैं तो वही आ जाता है वी बटा अंडर रूट जी टी, ये वाला कितना आ जाता है वी बटा अंडर रूट जी टी, यहां डी लिखा है वहां एच लिखा है, हाइड्रोलिक डेप्थ कहते हैं इसको, चाहे जी कहिए चाहे डी कहिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया। इसकी वैल्यू जब 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि फ्लो क्रिटिकल है। क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, आखिर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, तो क्रिटिकल फ्लो पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रिटिकल फ्लो पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है कि मैक्सिमम मिनिमम होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 ना आए, 1 से कम आए, तो सब क्रिटिकल,
अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा आ जाए, ऐसे आ जाए, तो सुपर क्रिटिकल। एक बात, ये चार पांच बातें हैं जो हमेशा पूछा जाता है, पक्का। इसके बाद एक से कम है तो सब क्रिटिकल, और एक है तो क्रिटिकल, और एक से ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल। अब सुपर क्रिटिकल में बहुत ज्यादा प्रकार हो गया, जैसे देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, पांच प्रकार यही हो गए, एक से ज्यादा है सब में। अगर एक से लेकर के 1.7 तक है तो अंडुलर फ्लो, या इसको कहते हैं फ्लो को जंप भी लिख देते हैं, अंडुलर जंप। ए 1.7 से 2.5 है तो ऑसिलेटिंग वीक लिख देंगे, वीक फ्लो या वीक जंप। और 2.5 से 4.5 है तो ऑसिलेटिंग, 4.5 से 9 है तो एसटीडी। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किसी एक को पूछ देगा, ये वाला पूछा ही है ना आपसे, यही तो पूछा है ना, यहाँ इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कोई ना कोई, किसी का नाम दे देगा और बोलेगा इसके लिए फ्लोट नंबर का वैल्यू कितना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, सन 2012, क्वेश्चन नंबर 17, कर्व नंबर, सेम क्वेश्चन ए में पूछा है, पूछता है कि कर्व नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है रेनफॉल प्रॉपर्टी, तो गलत बात, रेनफॉल प्रॉपर्टी नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है रन ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब कि रन ऑफ किस रास्ते बहता है, कैसा रास्ता फॉलो करता है, रन ऑफ बहने का नेचर क्या है। तो रन ऑफ से रिलेटेड है लेकिन रन ऑफ ट्रेंड को नहीं बताता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में है वाटर सेट फीचर, तो ये सही ऑप्शन है, क्यों सही है आगे बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी एक्सट्रीम फ्लो फीचर, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, सीधा हमने सी को आंसर लिख दिया। अब देखिए, सी आंसर लिख देना बहुत बड़ी महानता नहीं है, बहुत बड़ी महानता है कि ये कर्व नंबर क्या है। कर्व नंबर एक नंबर है, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो, जीरो से ऊपर होता है और 100 तक होता है, जीरो से ऊपर, जीरो नहीं होता, जीरो से ऊपर होता है और 100 तक होता है, इस बीच में कहीं भी हो सकता है, डायमेंशन लेस नंबर होता है, नंबर है तो डायमेंशन लेस ही होगा। अगर कर्व नंबर दिया हुआ है तो हम ये बता सकते हैं, आप कहिए कि कर्व नंबर किसके लिए होता है। भाई ये पेन है ना, तो ये पेन बैल के लिए थोड़ी होता है, पेन, अब पेन को समझने के लिए किसके लिए होता है, किस चीज से बना होता है, क्या काम किया जाता है, तो ये जो है पेन, ये बैल के, हाथी के, घोड़े के लिए नहीं ना होता है। पहली बात तो ये पेन किसके लिए होता है, आदमी के लिए। तो कर्व नंबर किसके लिए होता है, तो कर्व नंबर होता है वाटर सेड से, कोई भी वाटर सेड से बहने वाला जो रन ऑफ है, बारिश होने के बाद जितना रन ऑफ बह जाता है उसको बताता है कर्व नंबर। अगर कर्व नंबर 100 है तो 100 यह बताता है कि जितना बारिश हुआ वो सारा का सारा बह गया। अगर कर्व नंबर बिल्कुल जीरो के नजदीक है, कर्व नंबर का वैल्यू जीरो के इर्द गिर्द घूम रहा है, जीरो नहीं होता, जीरो के से थोड़ा, 0. समथिंग समथिंग हो सकता है, तो हम कहेंगे कि जितना भी बारिश हुआ सारा का सारा पानी वाटर शेड में इनफिल्ट्रेट हो गया, सारा इनफिल्ट्रेट हो गया, इसलिए रन ऑफ हुआ ही नहीं,
तो कर्व नंबर का वैल्यू सिर्फ वाटर सेट से होकर के बहने वाले रन ऑफ को बताता है। इसको हम कह सकते हैं कि वाटर सेट के फीचर को बताता है, वाटर सेट की विशेषता को बताता है। फीचर मतलब विशेषता, जैसे नहीं पूछते मोबाइल में क्या क्या फीचर है, तो उसका मतलब विशेषता क्या है। तो वाटर सेट में क्या विशेषता होगा, वाटर सेट मतलब वाटर को रखे अपने पास, वही उसकी विशेषता है। कम रख रहा है कि ज्यादा रख रहा है, वही विशेषता है। और कम ज्यादा रखने को हम कैसे बताएंगे, तो कर्व नंबर से बताएंगे। अब दूसरी तरीके से भी हम कर्व नंबर को समझ सकते हैं। भाई पेन है, आदमी कह देगा लिखने के काम आता है। तो सर्कस में तो हम देखते हैं कि बकरी भी लिखता है, तो पेन बकरी के लिखने के काम में आता है? नहीं, आदमी के लिखने के काम आता है। किसके काम आता है, किस चीज का बना होता है, बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरह से हम एक चीजों को समझ सकते हैं। तो एक जो मैंने अभी बताया वो बताया, अगर कर्व नंबर डायमेंशनलेस नंबर है तो किसी न किसी का रेशियो होगा। तो किसका रेशियो है, तो एक्चुअल रन ऑफ और मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ। किसी भी वाटर सेट से अभी एट ए टाइम एट एनी सिचुएशन कितना रन ऑफ हो रहा है, उसको तो एक्चुअल कहेंगे। और मैक्सिमम रन ऑफ किस हद तक संभव है इससे, जैसे मान लीजिए कि अभी बारिश हो रहा है, तो अभी बहुत दिनों के 2 महीने के बाद आज बारिश हो रहा है वाटर सेट में, कैचमेंट एरिया में, तो जाहिर सी बात है कि अगल बगल का वाटर सेट की मिट्टी सूखी हुई होगी। वाटर सेट की मिट्टी सूखने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो अभी बारिश शुरू होना हुआ और 10 मिनट के बाद हम उसका रन ऑफ देख रहे हैं, तो रन ऑफ कम होगा ना, क्योंकि मिट्टी सब सूखा हुआ है तो इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो 10 मिनट के बाद एट ए टाइम एट ए 10वें मिनट जो रन ऑफ हो रहा है उसको एक्चुअल रन ऑफ कहेंगे। तो एक्चुअल रन ऑफ को नीचे हम लिख देंगे। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ, तो मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ क्या होगा, धीरे 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 इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होता जाएगा, उसका सेचुरेट होता जाएगा वाटर सेट, और रन ऑफ बढ़ता जाएगा। आफ्टर सम टाइम रन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम होते जाएगा, रन ऑफ बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट रेट पकड़ लेगा, और जो बचेगा सारा का सारा रन ऑफ में चला जाएगा। तो धीरे धीरे समय के साथ रन ऑफ का मात्रा बढ़ता है, तो वही मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ नीचे। एक तो ऐसे समझ सकते हैं चीज को आप, दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों चीजें सेम हैं, दोनों में जब संबंध ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा दोनों ठीक ही लिखा हुआ है। एक्चुअल रिटेंशन बटा स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी के जगह पर आप लिख सकते थे मैक्सिमम पॉसिबल रिटेंशन, सेम चीज यही पर लिखते थे, जो एक्चुअल रन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ, एक्चुअल रिटेंशन मैक्सिमम पॉसिबल रिटेंशन, मैक्सिमम पॉसिबल रिटेंशन को ही तो स्टोरेज कैपेसिटी कहेंगे। ये दोनों तरीके से हम समझा सकते हैं किसी चीज को। जैसे इस पेन में स्याही यहां तक भरा हुआ है, लीन मान लीजिए यहां से लेकर के इधर से स्याही यहां तक भरा है, कोई बंदा आएगा कहेगा इतना खाली है, खाली के हिसाब से इसको बताएगा, कोई कहेगा इतना भरा है। दोनों सही बातें बता रहे हैं और दोनों स्याही की दशा को बता रहे हैं, स्याही की कंडीशन को बता रहे हैं। एक कह रहा है नहीं इतना खाली है, एक कह रहा है नहीं इतना भरा है, दोनों सही कर रहे हैं, दोनों तरीका है बताने का। इस फॉर्मूला को क्यू बटा पी माइनस आई ए लिखा जाता है। क्यू मतलब एक्चुअल रन ऑफ, और मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ क्या होगा, तो टोटल प्रेसिपिटेशन पी में से इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन जो शुरुआती लॉस होता है उसको घटा देंगे, जो शुरुआती लॉस होगा उसको घटा देंगे, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल रन ऑफ। फिर इससे अगर लिखना चाहें तो एक्चुअल रिटेंशन किसको कहेंगे हम, जो बारिश होगा बारिश में से टोटल रन ऑफ को हटा दीजिए, और अफ्ट जो इनिशियल शुरुआत में जो लॉस होता है उसको हटा दीजिए, जितना टोटल बारिश हुआ इसमें से रन ऑफ को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो एक्चुअल रिटेंशन जितना रिटेन कर रहा है ये वाला हो गया। और नीचे है स्टोरेज कैपेसिटी, तो एस लिख दिए। इसी फार्मूला को आगे डेराइव करके हमारा ये फार्मूला आ गया 25,400 बटा 254 प्लस एस।
कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कंक्रीट सरफेस के लिए रन ऑफ कर्व नंबर का वैल्यू कितना होता है। अगर नीचे का सरफेस वाटर सेट का सरफेस अगर पूरा कंक्रीट है तो कर्व नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो कंक्रीट सरफेस पर बताइए एस बराबर क्या होगा। ये एस लिखा है, एस बराबर रिचार्ज कैपेसिटी। तो रिचार्ज कैपेसिटी कंक्रीट में होता है, कंक्रीट नीचे ग्राउंड में पानी को डालता जाने देता है, नहीं जाने देता है। तो रिचार्ज कैपेसिटी जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा। 254 प्लस जीरो तो 254 को इसमें भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 100। मतलब कर्व नंबर का वैल्यू 100 कंक्रीट सरफेस के लिए इक्वेशन पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या होता है। फरादेदार हर बात पूछेगा, क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, नेट में पूछेगा, गेट में पूछेगा, हर बार पूछेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो समझता है कि स्टूडेंट मिस करेगा। परमिएबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में मिस करते हैं लोग, दोनों एक ही समझ लेते हैं, दोनों का डायमेंशन एक ही लिख देते हैं, लेकिन होता अलग अलग है। कहता है द डायमेंशन ऑफ इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन काम भर का तो बता ही देंगे। आंसर हो जाएगा आंसर तो इसका एल स्क्वायर होना चाहिए। इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी का एल स्क्वायर होता है, सॉरी चलिए पता नहीं, ऑप्शन हमने लिखने में मिस्टेक कर दिया, होता है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर होता है, अगर एम भी लिखा है ऑप्शन में, एल के साथ एम लिखा है तो एम पर पावर जीरो हो जाएगा, टी भी लिखा है तो टी पर पावर जीरो हो जाएगा। अब इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी का देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। ये है इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी। इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी बराबर हो जाता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इनटू विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी दो तरह के होते हैं, लेकिन जो डायनेमिक है ये है डेंसिटी और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक सब कहिए कि ये सब किसका है, कहां पर यूज होता है, क्या होता है ना। इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी जनरली यूज होता है विस्कस फ्लूइड के लिए, पानी के लिए यूज नहीं होता है इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी। लेकिन हमारे कोर्स में थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ी सी अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो परमिएबिलिटी के बजाय या फिर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के बजाय हम लोग इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी पढ़ने लगते हैं। इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा यूज होता है पेट्रोलियम में, जो विस्कस फ्लूइड होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा विस्कस होता है। लेकिन अगर विस्कोसिटी वाटर की थोड़ी सी भी बढ़ती है तो इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी टर्म आ जाता है। इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी अब यहां पर आप समझिए पानी से ही, हम लोग को तो पानी के बारे में पढ़ना है। इंट्रेंसिक परमिएबिलिटी ऑफ पानी ऑफ वाटर बराबर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। आप कहिए कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वाटर का होता है, नहीं होता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सॉइल का होता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल रिगार्डिंग वाटर, ठीक है ना, वाटर को फ्लो करने। तो ये आप इसको आप सॉइल समझिए, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, किसकी डायनेमिक विस्कोसिटी, वाटर का। किसका डेंसिटी, वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये तो असल जैसा ड्यूटी ग्रेविटी जो वाटर पर जो फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा वो है। इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसका आप जानते हैं मीटर पर डे होता है या मीटर पर सेकंड होता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मीटर पर डे लिखिए, मीटर पर सेकंड लिखिए। लिखेंगे कैसे, एल बाई टी, मीटर को एल करते हैं, एल बटा टी। इसका होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन लिख दिए, सेकंड को टाइम को टी लिख दें
पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख दें। नीचे में ही डेंसिटी है, डेंसिटी का क्या हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एम बटा एल क्यू, एम और बटा एल क्यू, तो एल क्यू ऊपर चला जाएगा। डेंसिटी हो गया जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को एल और नीचे में टी स्क्वायर होना चाहिए, तो टी स्क्वायर नीचे होगा तो ये प्लेट के ऊपर चला जाएगा। तो ये जरा देखिए क्या हुआ, देखिए एल एन, एन मतलब न्यूटन, टी एल क्यू टी स्क्वायर, फिर यहां टी एल स्क्वायर एम एल, इतना आया है। काट छांट करते हैं, जरा काट छांट करके देखते हैं। एल एल इंटू एन न्यूटन का होता है, न्यूटन फोर्स का मात्रक है, फोर्स का होता है एम एल टी पावर माइनस वन, उसके बाद टाइम एल क्यू जस का तस लिख दिए, उसके बाद नीचे वाला लिख दिए, एक एम ऊपर एक एम नीचे कट जाएगा, एक टी इधर यहां एक टी यहां, एम एल टी पावर माइनस टू होता है, हमने माइनस वन लिख दिया, सॉरी गलती से माइनस टू होता है। फोर्स का मात्रक न्यूटन है और न्यूटन का बीमा डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू, देखिए टी पावर माइनस टू और यहां टी पावर प्लस टू कट जाएगा, ये देख लीजिए एक एल नीचे है एक एल ऊपर दिख रहा है। अब देख लीजिए ऊपर में क्या बचा है, एक एल और यहां एल पावर थ्री और यहां एल स्क्वायर, ऊपर में एक एल और यहां एल पावर थ्री, तो एल पावर फोर हो गया, क्या हो गया एल पावर फोर, नीचे क्या बचा एल स्क्वायर, तो आपको पता है दो से दो कट जाएगा एल स्क्वायर, और यहां एल पावर फोर है तो दो को दो कट जाएगा तो एल स्क्वायर, यही पूछता है हमेशा। ये थे कॉमन क्वेश्चन जो एई में भी पूछे हैं, बीएचयू में भी तो पूछे ही हैं, बहुत मेहनत लगा इसमें सेलेक्ट करने में, कहां कहां से कॉमन क्वेश्चन है जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें से मैसेज करते हैं गुरुजी आपको पढ़ाने का टेक्निक ठीक नहीं है, उसके पलट के कुछ गुरुजी कुछ लड़के ऐसा बोलते हैं कि ये नहीं गुरुजी इसको कंटिन्यू रखिए, जो आप पढ़ा रहे हैं ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। तो जब ऐसे लड़के ऐसे बात बोल देते हैं तो बी पॉजिटिव होना पड़ता है, इसलिए मैंने फिर ये वीडियो बनाया काफी दिन के बाद, नहीं तो इतना मेहनत करने को किसी को जरूरत नहीं है रात में बैठ करके। आप जो है कमेंट जरूर करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, जितना कमेंट आएगा हम इस तरह का क्वेश्चन कम्पिटेटिव क्वेश्चन बिल्कुल समझा समझा कर करके आपको देते रहेंगे। कमेंट नहीं आएगा या लाइक नहीं आएगा तो मजा नहीं आता है, फिर तो होता है कि हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हमें तो कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, हम तो फालतू पसीना बहा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बहुत स्टूडेंट होंगे जो हमारे जानने वाले हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो आप जानने वाले हो या ना हो आप कमेंट जरूर करिएगा कुछ ना कुछ। ओके थैंक, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं डालता रहूँगा वीडियो, अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स।